गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड अमित हियर विथ यू अगेन। सो आज मैं और एक जर्नी की ओर निकल पड़ा हूँ और आज की जर्नी है मेरी ट्रैकिंग की। सो आज मैं पुणे के पास में ही मावा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छा खूबसूरत प्लेस है ट्रैकिंग के लिए, वहाँ पर आज जाने वाला हूँ और वही स्पॉट पर मैं हूँ। और ये है ट्रैकिंग स्पॉट, इसको पहचाना जाता है गोरडेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रैक को ऊपर कंप्लीट करने के बाद में आपको बुद्धकालीन केव्स है, वहाँ पे मेडिटेशन स्तूपास भी बने हुए हैं जहाँ पर बैठकर हम लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो ये ट्रैक प्लस मैं मेडिटेशन आज ट्राई करने जा रहा हूँ। बहुत दिनों बाद मैं ट्रैकिंग के लिए निकला हूँ, काफ़ी एडवेंचरस आज का ट्रैक होने वाला है और इंटरेस्टिंग ट्रैक है। सो आप मेरे साथ में ऐसे ही बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज का ट्रैक आपके साथ में। आज मैं बाइक से राइड नहीं कर रहा हूँ, आज मैं पैरों से वॉक कर रहा हूँ आपके लिए, आपके साथ में। सो बने रहिए मेरे साथ में, पूरा ट्रैक एंजॉय कीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक है आज का और काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो चलो चलते हैं गाइस। सो आपके सामने ये ट्रैक, जस्ट मैंने अभी अराउंड 50 मीटर ही क्रॉस किया है, मेरा हाँफना शुरू हो चुका है। होता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है ऐसा, बट वंस यू रीच टू द डेस्टिनेशन काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी मज़ा आता है वहाँ पे पहुँचने के बाद में। आप जैसे देख सकते हो काफ़ी लोग डिसेंटिंग। गाइस, सो अभी मैंने जस्ट 100 मीटर का ही ट्रैक कंप्लीट किया है, बट काफ़ी थक चुका हूँ मैं। बहुत दिनों बाद, कह सकते होंगे 5-6 महीने के बाद में मैंने आज ट्रैक के लिए निकला हूँ, तो काफ़ी थकान हो रही है और काफ़ी स्टिप ट्रैक है ये और चढ़ाव काफ़ी है, पत्थर वगैरह काफ़ी है, तो काफ़ी थकान हो रही है। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ और रेस्ट के बाद में मुझे नॉन स्टॉप जाना ही है, ट्रैक कंप्लीट करना ही है। चलो चलते हैं आगे, अभी मैं उठता हूँ और आपको भी ट्रैक की ओर लेके जाता हूँ। सो अभी उठने के बाद में मैंने फिर से अपनी ट्रैकिंग की शुरुआत कर दी है और अभी मैं धीरे 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 अभी ट्रैक की ओर आगे बढ़ रहा हूँ और आगे मुझे काफ़ी लोग दिख रहे हैं जो आगे नीचे उतर रहे हैं और आगे कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं। सो चलो चलते हैं, इनके साथ में मज़ा मस्ती कर लिया जाए। मित्रा थम 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 थम, थोड़ा मैं अभी बच्चों के साथ में मस्ती कर लेता हूँ, ट्रैक कंप्लीट करके आए हैं, फिर पूछा जाएगा कैसा रहा बच्चों आपका ट्रैक। मित्रा ट्रैक कसा होता? अरे मित्रा ट्रैक कसा होता? ट्रैक कसा है? वरती जायचं का? किती वेळ लागते? 15-20 मिनिटं लागतात फक्त। हा पूर्ण वरती जाय, पूर्ण वरती जाय। इतने फास्ट है वो बच्चे कि बिल्कुल 15-20 मिनट में बोल रहे हैं कि कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा ट्रैक यहाँ से लगभग, बट मेरे लिए तो अराउंड 45 मिनट से एक घंटा लगने वाला है ये ट्रैक कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ। और काफ़ी लोग आज लग रहा है कि ऊपर गए थे, आज के दिन संडे का दिन है तो काफ़ी लोग यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए आते हैं। पुणे में पास में ही है ये लोकेशन गोरडेश्वर टेम्पल, इसकी वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। और आप ये देख सकते हो खूबसूरत दृश्य मिडल ऑफ़ द ट्रैक से, टॉप ऑफ द माउंटेन आप ये देख सकते हो। काफ़ी अच्छा ट्रैक है ये, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते ही है एवरी सैटरडे। काफ़ी दिनों बाद ट्रैकिंग कर रहा हूँ तो काफ़ी थक रहा हूँ मैं, देख सकते होंगे मेरी टी शर्ट पूरी की पूरी गीली हो चुकी है। लोग जो पीछे से आ रहे हैं वो तो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, बट मैं ऑलमोस्ट 5-6 मंथ के बाद में ट्रैक कर रहा हूँ तो मेरी हालत तो बहुत टाइट हो चुकी है, पर दिल में जज्बा है, जुनून है, होश है, कुछ भी करके ट्रैक कंप्लीट करना ही करना है। सो चलो चलते हैं गाइस आगे फिर से, काफ़ी टायर्ड हो चुका हूँ मैं, जितना पानी पिया था वो सब निकल चुका है, बट आगे बढ़ते रहना है, यही ज़िंदगी का वसूल है, यही ज़िंदगी का नियम है। सो चलो चलते हैं आगे। सो गाइस, वो आप नीचे देख सकते हो वहाँ पे कुछ पार्किंग एरिया है,
जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हो, तो ये और एक एंट्रेंस बोल सकते हो आप इस ट्रैक के लिए, गोरडेश्वर टेम्पल के लिए। और फिर वहाँ से बहुत ईजी है एक्चुअली, आप वहाँ से स्टेप्स भी देख सकते हो, तो प्रॉपर पत्थर के स्टेप्स भी बने हुए हैं वहाँ पर, जिसके थ्रू आप ऊपर तक जा सकते हो। तो वो भी एक बहुत ईजी वे है जाने का, बट मैंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे चूज़ किया है मेरे ट्रैक के लिए। तो ये पूरा पहाड़ों से होते हुए जाता है ये वाला ट्रैक जो मैंने चूज़ किया है, आप देख सकते हो ऊपर तक। इसलिए काफ़ी थक रहा हूँ मैं आज, बाकी तो मज़ा काफ़ी आ रहा है बाकी। सो चलो आगे देखते हैं और क्या क्या है, कैसा ट्रैक है। ओके, सो अभी मैं अपना ट्रैक ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगा और ऐसे ही धीरे 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 मैं अपना क्लाइम करते हुए टॉप तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे पीछे ये खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो, पूरा हाईवे भी वहाँ से दिख रहा है और सिटी व्यू भी आप यहाँ से इंजॉय कर सकते हो। गोरडेश्वर टेम्पल काफ़ी पास में ही है पुणे से, लगभग आप 28 किलोमीटर्स के ही डिस्टेंस पर है पुणे से। और काफ़ी वीकेंड में यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट और ट्रैकर्स आपको दिखेंगे, और मोस्ट ईजीएस्ट ट्रैक है ये पुणे के पास में ही। और बहुत सारे लोग ऊपर में जाने के बाद में वहाँ पे मेडिटेशन के लिए आते हैं, मेडिटेशन करते हैं वहाँ पे, एक्सरसाइज भी करते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं ये ट्रैक। और काफ़ी फेवरेट ट्रैक है ये सभी ट्रैकर्स का एक्चुअली। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे भी, आप देख सकते हो टायरिंग भी काफ़ी है मुझे, हूँ मैं एक्चुअली, बट एंजॉय कर रहा हूँ मैं ट्रैक। सो आप मेरे साथ में ऐसे ही बने रहिए, चलो आगे देखते हैं। और सो गाइज, अभी कुछ ही मिनटों में मैं पहुंच ही जाऊंगा। आप जैसे कि देख सकते हो वहां पर कुछ फ्लैग लहर है, वही हमारा डेस्टिनेशन है एक्चुअली। सो इतना खूबसूरत वेदर है आज का, मौसम भी अच्छा है और ये ट्रैक भी, मज़ा आ गया आज तो। थका काफ़ी हूँ बाकी, पर वैल्यू है। ये यहाँ पर कुछ कुआं टाइप बना हुआ है, यहाँ पे बरसात का पानी जमा होता है और मोस्टली मेरे ख्याल से लोग यहाँ पे पानी पीने के लिए जमा होते हैं। छोटा सा पानी पीने का टैंक आप इसे बोल सकते हो। सो वो जो फ्लैग दिख रहा है वहाँ तक ही हमको जाना है। सो हियर इट इज गाइस, आवर डेस्टिनेशन फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ। और वो जो ऊपर में है वो है टेम्पल, और यहाँ पे छोटे से केव्स बने हुए, केव्स टाइप, पूरा पत्थर को तोड़ के। और वो जो वाइट बिल्डिंग देख रहे हो वो है एक्चुअली मेरी टाउनशिप जहाँ पे मैं रहता हूँ। और जिस टेम्पल की मैं बात कर रहा था वो टेम्पल ये रहा। तो गाइस, आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया मेरे साथ में, और ये आप खूबसूरत नज़ारा एंजॉय कर सकते हो गोरडेश्वर टेम्पल का। और जिन बुद्धकालीन केव्स की मैंने जो बात किया था वो ही आपके सामने ये, और एक छोटा सा कुआं भी यहाँ पे बना हुआ है जहाँ पर बरसात का पानी जमा होता है और ड्रिंकिंग वाटर के एज अ यूज़ करते हैं यहाँ पर लोग। और यहाँ पर एक ये शिवलिंग भी है जो कि जहाँ पर मोस्टली लोग महाशिवरात्रि में दर्शन लेने के लिए आते हैं बाबा भोलेनाथ के। तो ये रहा वो शिवलिंग जहाँ पर मोस्टली महाशिवरात्रि में ही लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं और ऐसे भी आते जाते रहते हैं। और ये आप जैसे छोटे छोटे द्वार देख सकते हो, ये गुफाओं के बने हुए हैं जो कि बुद्धकालीन है। और ऐसे सुना जाता है यहाँ पर कि संत तुकाराम महाराज भी यहाँ पर आया करते थे, और काफ़ी सारे भक्त लोग भी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का आनंद लेते हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। और मैं वादा करता हूँ आपके सामने ऐसे ही मैं खूबसूरत वीडियोस आपके सामने ज़रूर लेकर आते रहूँगा आगे भी। सो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सो ऐसे ही आप ये टेम्पल को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो आगे तक। और ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर ये पानी के छोटे छोटे ऐसे
गड्ढे बने हुए हैं जहाँ पर आप पानी पीने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो अभी गाइस हम लोग अभी निकल पड़ेंगे ये गुफा को एक्सप्लोर करने के बाद में रिटर्न जर्नी के लिए। सो यहाँ पे काफ़ी क्राउड है आज के दिन संडे होने की वजह से, और काफ़ी लोग एंजॉय करने के लिए भी आते हैं यहाँ पे, या तो एक्चुअल ट्रैकर्स जो होते हैं उनका तो ये डेली रूटीन है। और ये खूबसूरत नज़ारा रहा गाइस टेम्पल से, आप देख सकते हो काफ़ी ग्रीनरी होती है बरसात के सीज़न में, आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और बरसात के सीज़न में यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रैक बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, थोड़ा स्लिपरी होता है बट काफ़ी मज़ा आता है। और ये जो गुफाएं हैं और ये गुफाओं को देखने के बाद में बहुत ही आपको शांति प्रिय फील होगा आप जब आओगे यहाँ पर। तो चलो चलते हैं गाइस, अभी मैं रिटर्न जा रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। थैंक यू।